हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर मुस्लिम लॉ पर करेंगे कि आज से हम हमारा जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो की थी जिसमें हमने किया था कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पंजाब एंड हरियाणा में क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहता है, नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है और कौन से सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और कौन से सब्जेक्ट को हमने ज़्यादा नहीं इतनी वैल्यू देनी और हर सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है, पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पेपर आता है, उसकी हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि एटलीस्ट हमें अपना गोल तो क्लियर हो कि हमने करना क्या है, किस सब्जेक्ट को हमने कितना टाइम देना है, कितना हमें उससे मार्क्स मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे उस सब्जेक्ट से, वो हमारे लिए देखना ज़रूरी है। तो हमने वो इंट्रोडक्शन लेक्चर किया था, आज हम करेंगे हमारा फर्स्ट लेक्चर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ की हमने वेटेज उस लेक्चर में डिस्कस की थी, पर फिर भी बता देता हूँ, मेंस में बात करें तो मुस्लिम लॉ से 40 मार्क्स का पेपर रहता है पंजाब के लिए, एंड हरियाणा में ये ट्रेंड सेम चलता है। पंजाब एंड हरियाणा दोनों स्टेट में ये ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम रहता है। अते प्री की बात करूं तो प्री में 4 to 5 क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं मुस्लिम लॉ से। मुस्लिम लॉ का स्टार्ट करने की एक वजह ये भी है, एक तो मुस्लिम लॉ अनकोडिफाई है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वेयर एक्ट है, वेयर एक्ट में कुछ खास उसमें प्रोवाइड नहीं किया गया। और दूसरे नंबर पर टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं मुस्लिम लॉ में। टेक्निकलिटीज़ मीन्स कि मुस्लिम लॉ में स्कूल्स चलते हैं, सुन्नी आ गया, शिया आ गया, जिस वजह ना स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। तो उसमें ट्राई करेंगे कि हम उसे ईजी तरीके से समझ सके, कि हम उसमें कन्फ्यूज ना हो, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मुस्लिम लॉ को स्टार्ट करने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन बारे जानकारी लेते हैं कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस्लाम क्या है, व्हाट इज इस्लाम, क्योंकि मुस्लिम लॉ करना है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इस्लाम एंड मुस्लिम, कि मुस्लिम एंड इस्लाम क्या होता है। कि हमें जब हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हमें इनकी बारे नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि इस्लाम क्या है। जेकर इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम का मतलब है इन द रिलीजियस सेंस, इस्लाम मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ द गॉड। कि इस्लाम का मतलब क्या होता है मैं जहां पर लिख ही देता हूं, इस्लाम का मतलब है, सबसे पहले हमें इस्लाम का पता होना चाहिए कि इस्लाम का मतलब है सबमिशन, राइट, सबमिशन टू द विल, कि अपनी विल को सबमिट कर देना, सबमिशन टू द विल, कि सबमिट कर देना, सबमिशन टू द विल ऑफ द गॉड, राइट। तो ये मतलब होता है इस्लाम का कि सबमिट कर देना, सबमिशन टू द विल ऑफ द गॉड। सो इन सेकुलर सेंस विच इस्लाम मीन्स है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस। अगर बात करें इन सेकुलर सेंस मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस, कि इसका मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम का मतलब है कि शांति का प्रतीक, कि शांति बनाई रखना। सो इस्लाम का मीन्स है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, इन सेकुलर सेंस मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस। सो ये मतलब है इस्लाम का। आगे इस्लाम की बात करें तो इस्लाम का मतलब है कि गॉड इज वन एंड ओनली वन, इस्लाम इसे मानता है, इस्लाम फॉलो करता है गॉड इज वन एंड ओनली वन, इस्लाम इसे फॉलो करता है, मानता है। सबसे पहले क्या मतलब था, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, के अपने आप का समर्पण कर देना गॉड को। और इन सेकुलर सेंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस,
जे पीस लिखा है, ठीक है जी, कि पीस कि एक शांति का प्रतीक है इस्लाम, और ये माना जाता है इस्लाम के गॉड इज वन एंड ओनली वन, के एक ही भगवान है, सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, ठीक है जी, ये मतलब है इस्लाम का। सबमिशन टू द बिल ऑफ गॉड इन अ सेकुलर सेंस मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस, कि एक शांति का प्रतीक है, एंड इसका मतलब है कि गॉड इज वन एंड ओनली वन। ये इस्लाम का एक तरह का बिलीफ है कि लोग मानते हैं उसमें कि गॉड इज वन एंड ओनली वन। तो ये था इस्लाम, कि इस्लाम के बारे पढ़ा कि इस्लाम क्या होता है। अब उसके बाद पढ़ते हैं कि मुस्लिम क्या होता है, कि मुस्लिम किसे कहते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि हु इज मुस्लिम, कि मुस्लिम किसे कहते हैं। इससे पहले हमने देखा कि व्हाट इज इस्लाम क्या है, अब बात करते हैं कि मुस्लिम किसे कहते हैं। और सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि द वर्ड मुस्लिम कहां से आया, द वर्ड, जो वर्ड है मुस्लिम, इसे ड्राइव्स किया गया, ड्राइव्स लिया गया फ्रॉम कहां से, इस्लाम से, ये ड्राइव्स होया फ्रॉम इस्लाम, ठीक है जी। सो द वर्ड जो मुस्लिम सी, इसनू ड्राइव्स किया गया सी फ्रॉम इस्लाम तो, जिसका मतलब सी एंड इज सिग्निफाई करता ए परसन हु अडॉप्ट द फेथ ऑफ इस्लाम, के इसनू इंडिकेट करता सी, ए सिग्निफाई करता सी, एंड इज सिग्निफाई, के सिग्निफाई करता सी, ए सिग्निफाइज, कि सिग्निफाई करता सी कि ए परसन हु अडॉप्ट, ए परसन हु अडॉप्ट फेथ ऑफ इस्लाम, कि जिसने इस्लाम दे फेथ नू अडॉप्ट कर लिया, उसनू मुस्लिम कहिंदे आ, ठीक है जी। मुस्लिम दा हुण की मतलब है, द वर्ड मुस्लिम मीन्स, द वर्ड मुस्लिम ड्राइव्स फ्रॉम इस्लाम एंड इज सिग्निफाई करता कि ए परसन हु अडॉप्ट फेथ ऑफ इस्लाम, कि जिसने इस्लाम दे फेथ नू अडॉप्ट कर लिया आ, ठीक है जी। हुण उस तो बाद गल करते हैं कि मुस्लिम का मतलब की है। नैक्सट स्लाइड पर चलते हैं, मुस्लिम का मीनस, हुण मुस्लिम आपां, मुस्लिम का मीनस किस द्वारा किया जाता है, ठीक है। हुण मुस्लिम का मीनस देखते हैं कि मुस्लिम किस तरह हो सकता, कि ना कहना। सब तो पहला जेकर देखा जाए तो मुस्लिम बाय बर्थ, कि पहला जेड़ा परसन है मुस्लिम बाय बर्थ, नंबर वन, कि जिसका जन्म ही मुस्लिम फैमिली च होया है उसनों कहते हैं मुस्लिम बाय बर्थ, कि जो बर्थ तो ही मुस्लिम आ, ठीक है जी, उसनों कहते हैं मुस्लिम बाय बर्थ, कि जो बर्थ तो ही मुस्लिम आ, उसनों कहते हैं मुस्लिम, ठीक है जी। हुण उस तो अगे करते हैं, दूजा पॉइंट ये आ कि मुस्लिम बाय कन्वर्जन, जो कन्वर्ट करके बनया आ, जिसने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया, मुस्लिम बाय कन्वर्जन। हम कन्वर्जन मीनस की आ, फॉर एग्जाम्पल मान लो पहला परसन की सी, वो हिंदू सी जां फिर क्रिश्चन सी, ठीक है जी, जां हिंदू हुंदा आ तो जां फिर वह की हुंदा आ, क्रिश्चन हुंदा आ, राइट। हुण उहने की कीता, अपने धर्म नू कन्वर्ट कर लिया, किस दे विच, मुस्लिम विच। हुण उसने कादे विच कन्वर्ट कर लिया, मुस्लिम, तो इसनू की कहिंदे आ कन्वर्जन, कि कन्वर्ट कर लिया तो वह की बन गया, मुस्लिम बन गया बाय कन्वर्जन, ठीक है जी। पहला की सी मुस्लिम बाय बर्थ, मुस्लिम बाय बर्थ की आ कि उसका जिहड़ा जन्म ही आ वह मुस्लिम फैमिली विच होया। जेकर गल करिए मुस्लिम बाय बर्थ की, तो ए परसन हूज बोथ पेरेंट्स वर मुस्लिम, कि जदों उस बच्चे का जन्म हुंदा आ तो जेडे उसके दोने पेरेंट्स आ वह मुस्लिम होंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, राइट। ए परसन हूज वन पेरेंट्स इज मुस्लिम एंड हू इज़ ब्रॉटअप एज ए मुस्लिम ही इज़ ऑलसो मुस्लिम। सो मीनस मैं सब तो पहला थानू मुस्लिम बाय बर्थ समझा, मुस्लिम बाय बर्थ,
पहला पॉइंट ये करते हैं मुस्लिम बाय बर्थ। हुण मुस्लिम बाय बर्थ मीनस आ कि जिस टाइम बच्चे का जन्म हुंदा उहदे बोथ पेरेंट्स जिहड़े उहदे दोनों पेरेंट्स आ बोथ पेरेंट्स आ वो की ने एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द बोथ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ मुस्लिम होंगे आ, ठीक है जी, मुस्लिम आ। दैन बेबी जो होगा जो बच्चा होगा वह भी ऑटोमैटिकली मुस्लिम मनिया जाऊगा। हुण इत्थे की सी दोनों पेरेंट्स की आ मुस्लिम आ, जे दोनों पेरेंट्स मुस्लिम आ बच्चे के बर्थ के टाइम पर तो दैट मीनस यही है कि जो बच्चा होगा वह भी ऑटोमैटिकली मुस्लिम ही पैदा होगा, राइट। ये हैगा बाय बर्थ। पर मान लो कि जिहड़े बच्चे का एक पेरेंट वो मुस्लिम आ एंड जो अनदर आ दूजा पेरेंट आ वो की ने हिंदू आ जां ये कह लो कि नॉन मुस्लिम, मान लो नॉन मुस्लिम आपां मान लैंदे आ, ठीक है, नॉन मुस्लिम आ। तो हुण बच्चे का स्टेटस की होगा, जदों तो दोनों पेरेंट्स मुस्लिम आ दैन तो वो चाइल्ड भी ऑटोमैटिकली मुस्लिम होगा, पर मान लो एक पेरेंट्स मुस्लिम आ दूजा पेरेंट्स नॉन मुस्लिम आ, तो उस बच्चे का स्टेटस फिर उस बच्चे का ब्रॉटअप देखा जाऊगा कि किस तरह होया आ। ब्रॉटअप मीनस कि वह बच्चे की परवरिश किदा हुई आ, बच्चा बड़ा किदा होया। जेकर बच्चे का ब्रॉटअप एज ए मुस्लिम होया आ एज ए मुस्लिम दैन बच्चा मुस्लिम ही होगा, ठीक है जी। मुस्लिम बाय बर्थ के दो सिचुएशन आ, जे तो दोनों पेरेंट्स मुस्लिम आ दैन वो चाइल्ड भी ऑटोमैटिकली मुस्लिम होगा, पर जेकर उसका एक पेरेंट्स मुस्लिम आ पर दूजा बच्चा दूजा उसका पेरेंट्स नॉन मुस्लिम है दैन ब्रॉटअप चैक किया जाऊगा कि उस बच्चे का ब्रॉटअप किस तरह होया। जेकर उस बच्चे का ब्रॉटअप मुस्लिम नाल होया, मुस्लिम मीनस कि उस फैमिली जो भी उसके ब्रिंगिंग अप हुई है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हुई है, राइट, तो बच्चा भी ऑटोमैटिकली फिर मुस्लिम ही होगा। ये पहला पॉइंट जो सी मुस्लिम बाय बर्थ। हुण गल करते हैं दूजे पॉइंट ते, मुस्लिम बाय कन्वर्जन। हुण मुस्लिम बाय कन्वर्जन मीनस है कि जो उसने अपना धर्म नू कन्वर्ट कर लिया। मान लो पहला कोई परसन हुंदा जो उदा हिंदू हुंदा जां क्रिश्चियन हुंदा जां कुछ, उस तो बाद की करदा वह कन्वर्ट करके मुस्लिम बन जाता। हुण मुस्लिम किदां बन सकते हैं, मुस्लिम मीनस कि जो मुस्लिम लॉ विच उन्हां दे जो धर्म ने रिलीजन अकॉर्डिंग प्रोवाइड दिता गया आ उसनू फॉलो कर लग पिया। जेकर उन्हूं फॉलो कर लग पिया तो यह आप मन्नांगे कि वह बंदा कि कन्वर्ट करके मुस्लिम हो गया, तो इसनू कहिंदे आ बाय कन्वर्जन मुस्लिम। बाय कन्वर्जन मुस्लिम कौने की किया कन्वर्ट कर लिया अपना बाय कन्वर्जन मुस्लिम आ, राइट। हुण उस तो बाद तीजा इस विच गल करांगे बाय सैरमनीज, कि वह सैरमनीज के थ्रू बन गया। तीजा पॉइंट ये आता है कि असी मुस्लिम किस तरह बन सकते हैं। पहला सी कि मुस्लिम बाय बर्थ होगा दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट जिस तरह, फिर उस तो बाद होगा बाय कन्वर्जन कि जो उसने अपना धर्म को कन्वर्ट कर लिया तो भी बंदा मुस्लिम बन सकता है, परसन मुस्लिम के कन्वर्ट कर सकता है। उस तो बाद अगे हैगा कि थ्रू सैरमनीज से, कि जो बंदा सैरमनीज से, मान लो कि इफ बंदा कि जो वो कलीमा पढ़ता है जो कुरान पढ़ता है जो मुस्लिम लॉ विच उसनू दिता गया आ, तो उसनू ये मन्नांगे कि थ्रू वो सैरमनीज दे बंदा की आ मुस्लिम बन गया। क्यों? क्योंकि वो जो सैरमनीज हुंदियां ने मुस्लिम लॉ ने उन्होंने परफॉर्म कर लग गया। जेकर उन्होंने परफॉर्म करता आ तो इसका मतलब यह है कि बंदा बाय रिलीज बाय हाँ कि सैरमनीज के थ्रू की बन गया मुस्लिम बन गया। ये बेसिकली तीन मेन पॉइंट्स ने कि जिन्होंने आप कह सकते हैं कि बंदा किस तरह मुस्लिम बन सकता। सब तो पहला बाय बर्थ हो गया, बाय बर्थ के जो दोनों पेरेंट्स बोथ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ मुस्लिम ने तो बच्चा ऑटोमैटिकली मुस्लिम होगा। इस दे विच दूजा पॉइंट यह है जेकर एक पेरेंट्स मुस्लिम है एक नॉन मुस्लिम है तो उसकी ब्रिंगिंग अप का ब्रॉटअप चैक किया जाऊगा कि बच्चे का ब्रॉटअप किस तरह होया। फिर दूजा पॉइंट है बाय कन्वर्जन कि बंदा कन्वर्ट कर गया दूजे रिलीजन में। उस तो बाद है बाय सैरमनीज कि उस इस्लाम अकॉर्डिंग उस लॉ अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर लग गया जिस तो यह लगा कि सैरमनी शुरू बंदा की आ मुस्लिम बन गया, राइट।
हुण इस दे दो क्वेश्चन आउंदे आ मेरे सवाल विच मन विच कि वैन मुस्लिम लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम। हुण आपां नॉर्मली ये देखते हैं कि जिहड़ा मुस्लिम लॉ आ मुस्लिम उपर अपलाई करता है ना, नॉर्मली गल आ जिदा हिंदू उपर हिंदू लॉ अपलाई करता आ तो इस तरह ही मुस्लिम लॉ भी मुस्लिम उपर अपलाई करेगा। पर कोई इदां दी सिचुएशन है कि मुस्लिम लॉ मुस्लिम उपर ही नहीं अपलाई करता। जेकर इसकी गल करिए कि जो हसबैंड एंड वाइफ मैरिज करते हैं अंडर मुस्लिम लॉ दे, ठीक है जी, कि अंडर मुस्लिम लॉ दे की करते हैं मैरिज करते, या दूजी तरह समझाना कि इफ द मुस्लिम हसबैंड एंड वाइफ हैव कॉन्ट्रैक्ट देयर मैरिज अंडर स्पैशल मैरिज एक्ट। हुण वह की करते हैं स्पैशल मैरिज एक्ट अंडर की, क्योंकि स्पैशल मैरिज एक्ट किसी धर्म को नहीं देख के वह तो सारे धर्मों उपर अपलाई करता, राइट, इंस्टैड ऑफ कि वह अपने मुस्लिम जो उन्होंने परसनल लॉ उहदे विच मैरिज नहीं करते, ठीक है जी। तो एक पॉइंट तो यह हो गया कि जो दोने हसबैंड वाइफ मुस्लिम आ उन्होंने अपनी मैरिज कित्थे की, स्पैशल मैरिज एक्ट विच। जेकर स्पैशल मैरिज एक्ट विच की आ तो उत्थे फिर मुस्लिम लॉ अपलाई नहीं करेगा, उत्थे की अपलाई करेगा स्पैशल मैरिज एक्ट अपलाई करेगा। सो एक तो पॉइंट ए आ, ठीक है जी, ये तुसी लिख सकते हैं। कई बार पूछ लेंगे कि वैन मुस्लिम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, किदों एप्लीकेबल नहीं होगा ऑन मुस्लिम, तो मुस्लिम तो ही नहीं अपलाई करेगा। जिदे विचों एक तो हो गया स्पैशल मैरिज एक्ट, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने मैरिज की अपनी स्पैशल मैरिज एक्ट विच कर ली, तो जे स्पैशल मैरिज एक्ट आ तो हुण उन्होंने उपर फिर मुस्लिम लॉ अपलाई नहीं करेगा। दूजा है कि इफ द मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्पैशल मैरिज एक्ट दैन इनहेरेंटस, जो उन्होंने इनहेरेंटस प्रॉपर्टी होगी फिर वह इंडियन सक्सैशन एक्ट के अकॉर्डिंग जाऊगी, ना कि उन्होंने फिर उन्होंने जोड़े मुस्लिम परसनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं जाऊगी। हम जेकर उन्होंने मैरिज स्पैशल मैरिज एक्ट विच की आ तो जो उन्होंने प्रॉपर्टी भी इनहेरिटेंस होगी, जो इनहेरिटेंस होनी आ प्रॉपर्टी भी, राइट, वो उन्होंने जी इनहेरिटेंस होगी वह इन्हों इंडियन सक्सैशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ना कि उन्होंने मुस्लिम परसनल लॉ के। सो इनहेरिटेंस होनी आ अंडर इंडियन सक्सैशन एक्ट के, जो इंडियन सक्सैशन एक्ट आ उस अकॉर्डिंग होगी। सो ये दो पॉइंट ने कि जो मुस्लिम लॉ मुस्लिम उपर ही अपलाई नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसका एक ये कारण है। एक इस तो बाद होर कारण है जो हैगा इंडियन एविडेंस एक्ट, कि जो कोई लेजिटिमेसी चैक करनी है चाइल्ड की तो उदो इंडियन एविडेंस अपलाई करता, ना कि मुस्लिम लॉ। सैक्शन 112 ये आप उत्थे पढ़ांगे, इंडियन एविडेंस एक्ट विच प्रॉपर पढ़ांगे इंडियन एविडेंस एक्ट, जदों लेजिटिमेसी चैक की जाती है चाइल्ड की, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, तो उस सेम इंडियन एविडेंस एक्ट चैक किया जाता, ना कि मुस्लिम परसनल लॉ। सो ये तीन मेन पॉइंट्स आ कि जो मुस्लिम लॉ मुस्लिम उपर अपलाई नहीं करता। एक तो जो मैरिज स्पैशल मैरिज एक्ट विच कर लेंगे, जेकर उन्होंने मैरिज स्पैशल मैरिज एक्ट विच की आ तो उन्होंने जी इनहेरिटेंस आ इंडियन सक्सैशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ना कि उन्होंने परसनल लॉ दे विच। ते तीजा पॉइंट आ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, उसलिए सैक्शन 112 इंडियन एविडेंस अपलाई करेगा, ना कि मुस्लिम परसनल लॉ अपलाई करेगा, राइट। ये तो सी क्वेश्चन। हुण उस तो बाद अगे गल करांगे कि सोर्सिज क्या ने, अगे हुण गल करते हैं। इस तो पहला आपां कीता असलाम की हुंदा, कि आपां असलाम देखिया, ठीक है जी, असलाम का मतलब है सबमिशन टू द बिल ऑफ गॉड इन सैकुलर सेंस मीनस एस्टैबलिशमेंट ऑफ पीस, राइट। उसका उस तो बाद इहदा मतलब सी गॉड इज़ ए बिलीव करदे कि गॉड इज़ वन एंड ओनली वन, राइट। उस तो बाद हू इज़ ए मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब है द वर्ड मुस्लिम ड्राइव्स फ्रॉम द इस्लाम एंड इट सिग्नीफाई करदे कि परसन हू अडोप्ट फेथ ऑफ इस्लाम, राइट। उस तो बाद मीनस सी कि किस तरह मुस्लिम बन सकते, मुस्लिम बाय बर्थ, जो दोनों पेरेंट्स मुस्लिम है या वन पेरेंट्स मुस्लिम है फिर ब्रॉटअप चैक किया जाऊगा, मुस्लिम बाय कन्वर्जन, एंड उस तो बाद मुस्लिम बाय सैरमनीज की सैरमनीज में परफॉर्म किया। उस तो बाद क्वेश्चन सी कि वैन मुस्लिम लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम, कि मुस्लिम लॉ मुस्लिम उपर अपलाई नहीं करता।
एक तो जो मैरिज करते हैं स्पैशल मैरिज एक्ट में उदों नहीं अपलाई करता क्योंकि वह स्पैशल मैरिज एक्ट आ, तो जेकर उन्होंने मैरिज स्पैशल मैरिज एक्ट में हुई है तो जो प्रॉपर्टी की इनहेरेंट है सो भी वह भी इंडियन सक्सैशन एक्ट अकॉर्डिंग होगी ना कि मुस्लिम परसनल लॉ अकॉर्डिंग। एंड उस तो बाद इंडियन एविडेंस एक्ट है जो लेजिटीमेसी चैक की जाती चाइल्ड की दैन उदों इंडियन एविडेंस एक्ट में कंसीडर किया जाता रादर दैन मुस्लिम परसनल लॉ नहीं कंसीडर किया जाता। राइट, तो यह सी पॉइंट। हुण उस तो बाद अगे गल करते हैं कि इस्लाम के सोर्सिज़ क्या ने। राइट, कि इस्लाम के की सोर्सिज़ हो सकते हैं उहदे बारे गल करते हैं। सोर्सिज़ ऑफ इस्लाम या मुस्लिम लॉ आप कह सकते हैं, सोर्सिज़ ऑफ मुस्लिम लॉ। कि मुस्लिम लॉ दे की सोर्सिज़ ने। राइट, इसनू दो पार्ट्स दे विच आपां डिवाइड करके चलते हैं। नंबर वन प्राइमरी सोर्सिज एंड नंबर टू सेकेंडरी सोर्सिज। ये दो तरह के सोर्सिज प्रोवाइड किए गए हैं मुस्लिम लॉ दे विच, मुस्लिम लॉ दे सोर्सिज ऑफ मुस्लिम लॉ। हुण जेकर गल करिए ता सब तो पहला प्राइमरी सोर्सिज की गल करिए, सब तो पहला जो प्राइमरी सोर्स है द कुरान, क्योंकि कुरान सब तो पुराना सोर्सिज है मुस्लिम लॉ का। सो सब तो पहला जो सोर्स है उसनू कहिंदे आ कुरान। कुरान की गल करिए द वर्ड जिहड़ा कुराइन आ विच इज़ द हैगा डिवाइन कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन करना डिवाइन कम्युनिकेशन। मैं इत्थे लिख भी दिना कि इसका मतलब जो हुंदा है डिवाइन कम्युनिकेशन। राइट, डिवाइन कम्युनिकेशन एंड रिलीवेशन की रिवील करना टू द प्रोफेट ऑफ द इस्लाम इज द फर्स्ट सोर्सिज ऑफ इस्लाम मुस्लिम लॉ। तो इसनू ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सोर्सिज भी आ, कि फर्स्ट सोर्सिज भी आ मुस्लिम लॉ का इसनू मनिया जाता है। राइट, फर्स्ट सोर्सिज या ऑफ मुस्लिम लॉ का। इट इज़ द पैरामाउंट एंड यूनीवर्सल अथॉरिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट आ। इसनों की कह सकते हैं कि इट इज़ की आ पैरामाउंट। नैक्सट पेज लिख दिना, इट इज़ पैरामाउंट एंड यूनीवर्सल अथॉरिटी आ, यूनीवर्सल अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ दी। सो कुरान वेरी इंपॉर्टेंट है। सो कुरान की आ पहला पॉइंट कुरान विच की आ कि डिवाइन कम्युनिकेशन है, फर्स्ट सोर्सिज भी है मुस्लिम लॉ दा। एंड उस तो बाद इहदे विच की आ कि इट इज़ पैरामाउंट एंड यूनीवर्सल अथॉरिटी रहिंदी आ जो कि मुस्लिम लॉ दी जिसनू कहा जाता आ। राइट, इस तो बाद दूजा पॉइंट जेकर गल करिए, उस तो बाद जे गल करिए द कुरान इज इट्स प्रेजेंट करती आ फॉर्म इज ए बुक जो डिवाइडेड होंगी है इंटू 114 चैप्टर्स। सो उस तो बाद अगे पॉइंट की गल करिए कुरान एक कहिंदे बुक आ जो डिवाइडेड होंगी आ, ये बुक आ जो, हाँ कि बुक आ जो डिवाइडेड होंगी आ इंटू 114 चैप्टर्स, कि 114 चैप्टर्स के बच्चे डिवाइडेड होंगी है एंड कंसिस्ट करती है अप्रोक्सीमेटली 60,666 वर्सिज। ठीक है जी, एंड ये की करती है कंसिस्ट करती है अप्रोक्सीमेटली। राइट, कंसिस्ट करती है अप्रोक्सीमेटली 6,666 वर्सिज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सी जो कि कुरान के रिलेटिंग चलते हैं। सो सब तो पहला कुरान की है द डिवाइन कम्युनिकेशन आ, फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ आ। राइट, उस तो बाद इट इज़ ए पैरामाउंट एंड यूनीवर्सल अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ आ। फिर ये एक तरह की बुक है जो डिवाइडेड करती है 114 चैप्टर 114 चैप्टर्स विच डिवाइडेड होंगी है एंड ये कंसिस्ट करती है अप्रोक्सीमेटली
6666 वर्सिज ये रेंदे ने। राइट, ये पहला अपना इसका सोर्स जो प्रायमरी दे चलता आ। हुण उस तो बाद दूजे सोर्स की गल करिए, सैकेंड जो सोर्सिज रहा आ उसनू द इजमा कहिंदे आ। द इजमा की हुंदा? इजमा एक हुंदा कॉन्सेंसस ऑफ ओपीनियन हुंदे आ कि जिस विच ओपीनियन वक्रे वक्रे जो हुंदे आ उन्हां नूं कॉन्सेंसस कीता हुंदा। द कॉन्सेंसस ऑफ ओपीनियन हुंदा आ, कॉन्सेंसस ऑफ ओपीनियन। राइट, सो पहला पॉइंट इहदे विच आया कुरान, दूजा इस विच आउंदा आ इजमा कि कॉन्सेंसस ऑफ ओपीनियनस हुंदे ने इहदे विच जो दसे गए ने। राइट, हुण इस बारे गल करदे आ कि कॉन्सेंसस ऑफ ओपीनियन की हुंदे आ। जो इजमा आ, इजमा हैज़ बीन डिफाइन किया गया सी बाय सर अब्दुल रहमान। इन्होंने कहा सीगा कि एग्रीमेंट ऑफ द यूरिस्ट आ जो अमंग द फॉलोवर ऑफ प्रोफेट मुहम्मद कॉन्करंस, कि जो उन्होंने कहा वह एक तरीके का निचोड़ है। ठीक है जी, मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशंस शोक टू हैव बीन असैप्टड एज इनडिसप्यूटेबल अंडर द फस्ट फोर राइटली डायरैक्टड। राइट, तो यह सी इजमा। उस तो बाद कहते हैं कि हाउ एवर देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस ऑफ ओपीनियन अमंग द इंपोर्टेंट मुस्लिम यूरिस्ट विद द रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड इजमा। राइट, तो यह एक तरह के ओपीनियनज होंगे ने जो उदे बारे गल की सी, एसी इजमा। राइट, उस तो बाद तीजे पॉइंट की जेकर गल करिए जो थर्ड पॉइंट उसे कहते हैं कियास। थर्ड पॉइंट रहा है कियास। राइट, इसनों कहते हैं कियास। हम कियास की हुंदा? कियास दे विच कंपेयरिंग की गई हुंदा, थिंग्स नू कंपेयर किया गया हुंदा। कियास मीनस कंपेयरिंग ए थिंग और टू एस्टैबलिश ए रीजनिंग, कि रीजन देखे हुंदा बाकियां नालों कंपेयर किया गया हुंदा। और इफ देयर वॉज एनी प्रॉब्लम, जेकर कहिंदे कोई प्रॉब्लम आउंदी आ बिफोर द सोसाइटी अपॉन विच कुरान ट्रडिशन एंड इजमा इज साइलेंट आ, दैन कियास इज अपलाई हुंदे आ। सो मीनस टू से कि जिथे कुरान साइलेंट रहिंदी आ, जिथे इजमा साइलेंट आ, उत्थे कंपेयर करके कियास की वरतों की जाती, इसनू कहिंदे आ कियास। ए सी प्राइमरी सोर्स जिहदे विच सब तो पहला आउंदा कुरान जो वैरी इंपोर्टेंट आ, उस तो बाद हुंदा आ इजमा। इजमा कंसेंसस ऑफ ओपीनियन हुंदे आ। उस तो बाद आउंदा कियास। कियास हुंदा कि कितरे कंपेयर किया हुंदा कुरान नू इजमा नू इस दे नाल, जिथे ये चीज़ां साइलेंट्स ने उत्थे कियास की वरतों की जाती है। राइट, ये सी प्राइमरी सोर्सिज। हुण उस तो बाद अगे गल करते हैं कि सैकेंडरी सोर्सिज की रहिंदे ने। हुण दूजे आउंदे ने सैकेंडरी सोर्सिज। सैकेंडरी सोर्सिज, सो इस तो पहला आपां कीते प्राइमरी सोर्सिज, हुण करते हैं सैकेंडरी सोर्सिज। सैकेंडरी सोर्सिज की गल करिए इस तो विच सब तो पहला आउंदा है कस्टम। कस्टम जो अपना सैकेंडरी सोर्सिज जां आपां इसनू मॉडर्न सोर्सिज का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न जो अज दीआं चीज़ां च ने जां इस तो बाद च ने मॉडर्न सोर्सिज। राइट, सैकेंडरी सोर्सिज मीनस मॉडर्न सोर्सिज। बस वन सैकेंड देना। हुण उस तो बाद गल करते हैं कस्टम दी। कस्टम भी कह सकते हैं, इसनू उर्फ भी कह दिता जाता है। कस्टम जां फिर इसनू उर्फ भी कह दिता जाता है। जेकर गल करिए कहिंदे कि जनरल प्रीवलेंस आ इन द कंट्रीज नसैसरी आ, द प्रैक्टिस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल कांट बी रैकोगनाइज एज कस्टम, ये रिक्वायरमेंट है वैलिड कस्टम लिए, ये रिक्वायरमेंट्स ने। राइट, उस तो बाद इट मस्ट बी टेरीटोरीयल होना चाहिए है। इट नीड कि नॉट बी एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोफेट कैंपेनियंस, ऑल दैट इज नसैसरी कि इज दैट इज शुड बी इमेमोरियल। द वर्ड इमेमोरियल मीनस है कि बियॉन्ड ह्यूमन मैमरी, कि जो लोगों को जिस बारे पता नहीं, जो मीनस कि पहला तो चलता आ रहा है। राइट, हम कस्टम स्प्रिंगिंग अप विद इन द लिविंग मैमरी एंड विल बी इनफोर्स इफ प्रैबलेंट अमंग द मुस्लिम ऑफ कंट्री इन विच द क्वेश्चन ऑफ देयर वैलिडिटी अराइज।
राइट ए सी रिक्वायरमेंट्स। उस तो बाद इट मस्ट बी इंसीडेंट होना चाहिए जां इनवेरीबल होना चाहिए आ, इट शुड नॉट बी इंपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सो सब तो इंपोर्टेंट पॉइंट ए आ कहने नो डाउट कस्टम भावें हैगा बट स्टिल इट शुड नॉट इंपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, क्यों पब्लिक पॉलिसी के अंगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के इंपोज नहीं होना चाहिए। एंड इंपोर्टेंट की है कि इट मस्ट भी एशियंट पुराने समय तो चलता आता होना चाहिए, यही कि पहला चलता सी फिर साल दो साल बंद हो गया फिर वो कॉन्टीन्यूसली होना चाहिए एशियन टाइम तो एंड इनवेरीएबल होना चाहिए। ठीक है जी इनवेरीएबल होना चाहिए इट मस्ट भी इनवेरीएबल एशियंट होना चाहिए। एंड सब तो इंपोर्टेंट इस पॉइंट आता कि इट शुड नॉट इंपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कि पब्लिक पॉलिसी दे इंपोज नहीं होना चाहिए। हुण कुछ जे कस्टम की गल करिए जिदा डावर आ गया तलाक आ गया यह कुछ इंपोर्टेंट्स कस्टम आ, सो इन्हों आप कस्टम कह दिता क्योंकि बेसिकली लॉ तो अनकॉडिफाई आ मुस्लिम लॉ। सो इस करके जे आप फॉर एग्जाम्पल गल करिए फॉर एग्जाम्पल राइट तो इस विच तलाक एक आ गया उन्होंने चो डावर आ गया ये की कस्टम ने। ठीक है पर इंपोर्टेंट चीज़ की है ये इंपोर्टेंट चीज़ यह है कि इट शुड नॉट बी इंपोज नहीं होने चाहिए, इट शुड नॉट बी इंपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्योंकि पब्लिक पॉलिसी सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है। इट शुड नॉट इंपोज पब्लिक पॉलिसी दे इंपोज नहीं होने चाहिए एक पॉइंट। दूजा पॉइंट ये इंपोर्टेंट है इट मस्ट बी एशियंट कि पुराने समय तो चलते आने चाहिए आ इट मस्ट बी एशियंट एंड इनवेरीएबल होने चाहिए। ठीक है जी ये दो पॉइंट कस्टम दे उर्फ दे लई इंपोर्टेंट ने। कस्टम की है तलाक भी कस्टम है डावर की है कस्टम है पर इंपोर्टेंट की है कि इट शुड नॉट बी इंपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इट मस्ट बी एशियंट एंड इनवेरीएबल होने चाहिए। ये सेकेंडरी सोर्सेज का पहला पॉइंट कस्टम उर्फ। दूजा पॉइंट आता जुडिशियल डिसीजनस जो अपने कोर्स द्वारा दिते जाते हैं। दूजा इंपोर्टेंट इसका पार्ट है जुडिशियल डिसीजनस। हम जुडिशियल डिसीजनस की गल करिए दीज इनकलूड करता डिसीजनस ऑफ प्रिप्टी प्रीवी कौंसल। प्रीवी कौंसल की आजादी तो पहला जो कोर्स होंदिया सी द सुप्रीम कोर्ट एज वैल एज हाई कोर्ट ऑफ इंडिया राइट कि जो कोर्स के द्वारा डिसीजनस दिते गए हैं उसनू आपां चेक किया जाऊगा सेकेंडरी सोर्सेज के तरह यूज किया जाऊगा। द जजमेंट्स ऑफ स्पेयर कोर्ट्स बिकम एन अथॉरिटी फॉर द कोर्स सबॉर्डिनेट टू इट द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो द लॉ। मीनस कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई फैसला सुनाते हैं मुस्लिम लॉ से तो जो लोअर कोर्ट ने उन्होंने मनन लू फॉलो करने बाउंड अपने बाउंड ने। सो इस करके जुडिशियल डिसीजन द्वारा जो लॉ बनाते गए उसनों भी आप सोर्स मनेंगे जिदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई लॉ बनाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राइट फिर उस तो बाद हाई कोर्ट्स आ गए हाई कोर्ट जिदा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आ गए तो जो लोअर कोर्ट ने उस तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ने उन्होंने फॉलो करना ही पेगा। सो ये भी एक सोर्स आ गया जुडिशियल डिसीजन राइट। उस तो बाद तीजे डिसीजन की गल करते हैं लैगिसलेशन। हुण लैगिसलेशन की आ कि जो अपने एम एल ए एम पीज ने इन्होंने लॉ बनाया जो इन्होंने इनैक्टमेंट्स कीतियाँ ठीक है जी कि जो जो इन्होंने लॉ बनाते इनैक्टमेंट्स कीतियाँ उन्होंने लैगिसलेशन कह दिता जाता है। हुण जेकर गल करिए कि लैगिसलेशन मेन लैगिसलेशन की जे गल करिए जिस तरह आया सीगा द गार्जियन एंड वोट्स एक्ट 1890 राइट उस तो बाद द मुसलमान वक्फ वैलिडिटी एक्ट 1930 द मुसलमान वक्फ वैलिडिटी एक्ट 1930 वक्फ एक्ट 1954 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 शरीयत एक्ट 1937 डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक ही लैगिसलेशन ने जो अपने एम एल ए एम पीज ने पार्लीमेंट में विधानसभा जिसनों लॉ बनाया है राइट जो फॉर एग्जाम्पल ही आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल राइट जो इंपोर्टेंट्स अपनियां लैगिसलेशन ने जिदे इंपोर्टेंट्स ने द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 फिर उस तो बाद जिस तरह आया सीगा द शरीयत एक्ट ने
सॉरी इतने लिख देना, ठीक है, शरीयत एक्ट 1937। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैगिसलेशन ने जो अपने लैगिसलेचर के द्वारा बनाई गई, राइट। तो एंड उस तो बाद नैक्सट पॉइंट पर चलते हैं, जो लास्ट पॉइंट अपना है जस्टिस की न्याय प्रोवाइड करना, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। राइट, गुड कॉन्साइंस। सो ये चार सेकेंडरी पॉइंट्स ने। जेकर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस की गल करिए, अंडर मुस्लिम लॉ प्रिंसीपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस कैन ऑलसो बी रिगार्डेड एज वन ऑफ सोर्स, क्योंकि इनू भी एक सोर्सिस मनिया जाता, राइट। उस तो बाद जेकर इसकी गल करिए, नॉर्मली यही मनिया, इसनों भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स मनिया जाता सी, राइट। तो यह अपने सोर्सिज, इस तुसी सोर्सिज नूं एक चार्ट दे थ्रू भी बना सकते। मैं इत्थे चार्ट्स लिख दिना जो इंपोर्टेंट रहूगा, थोड़े मीनस के इंपोर्टेंट रहूगा, तुसी मीनस के इस चार्ट नूं प्रॉपर बना सकते हैं। इस तरह तुसी कर सकते हैं प्राइमरी सोर्सिज, राइट, एक साइड ते तुसी लिख सकते हैं सेकेंडरी सोर्सिज, तुसी इस तरह भी इसनों करके लिख सकते हैं। मीनस दे विच इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जां जिन्हें बच्चों ने मीनस का पहला ऑलरेडी पेपर दिता है, तुसी उन्हां तो भी पूछ सकते हैं कि चार्ट्स बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते। जिस तरह आप सेकेंडरी विच की कीता सी, सब तो पहला आप कीता सी कस्टम और उर्फ, जिसनों कहिंदे आ कस्टम और उर्फ, राइट। दूजा आप कीता सी जुडिशियल डिसीजनस, जो अपने मानयोग कोर्ट्स द्वारा दिते जाते हैं, राइट। तीजा आपां कीता सी लैगिसलेशन, जो अपने मिनिस्टर्स द्वारा बनाए जाते हैं। एंड लास्ट सी जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। सो शायद थानू इत्थे ना दिखे, मैं नैक्सट इत्थे लिख देना गुड कंसाइंस, राइट। ये चार पॉइंट्स ने, ते प्रीलिमिनरी विच, प्राइमरी विच, सॉरी, जिस विच आपां कीता सी, सब तो पहला इंपोर्टेंट सी जो कराण सी, फिर उस तो बाद इस विच कीता सी आपा इजमा कीता सी, एंड दैन क्यास कीता सी, राइट। ये तीन इंपोर्टेंट सी जो प्राइमरी सोर्स सी, कराण, इजमा ते क्यास, एंड सेकेंडरी कस्टम जां उर्फ, जुडिशियल डिसीजन, लैगिसलेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तुसी इसनू इस तरह भी एक चार दी फॉर्म दे विच बना के लिख सकते हो, क्योंकि इंपोर्टेंट ने। तुसी इस तरह लिखोगे, थोड़ा मीनस दे विच एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करूगा। हुण बाकी स्टूडेंट्स ने एक पैराग्राफ दी फॉर्म च लिखा, जेकर तुसी इस तरह समझा के लिखोगे तो थानू एक्स्ट्रा मार्क्स मिलनगे। अपनी राइटिंग अच्छी रखना, अपनी स्पीड मेनटेन करके रखना, अपने पेपर को वधिया प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंट करना, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। सो ये सी अज दी वीडियो कि आप मुस्लिम लॉ बारे देखिए, कि मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम लॉ आप करना तो पहला आपको यह पता होना चाहिए मुस्लिम की होंदा, जिस विच पहला आप पढ़िया इस्लाम की होंदा। इसनों एक बार रीकैप ले लैंदे आ, सबमिशन टू द बिल ऑफ द गॉड, कि बिल नूं सबमिट करना, इन सैकुलर सेंस मीन एस्टैबलिशमेंट ऑफ पीस, गॉड इज़ वन एंड ओनली वन। उस तो बाद मुस्लिम देखिया, द वर्ड मुस्लिम ड्राइव्स होंदा इस्लाम तो, जो सिग्नीफाई करता परसन अडोप्ट फेथ ऑफ इस्लाम, राइट। उस तो बाद एदा किस तरह आप मुस्लिम मुस्लिम बाय जो बर्थ ने, मुस्लिम बाय कन्वर्जन हो सकता है, एंड उस तो बाद मुस्लिम बाय जो सी सैरमनीज मनिया जाता सी। फिर उस तो बाद अगे आप देखिया कि किदों मुस्लिम लॉ मुस्लिम उपर नहीं अपलाई करता, दैन सोर्सिज देखे मुस्लिम लॉ दे प्राइमरी सोर्सिज एंड सेकेंडरी सोर्सिज, जिसनों तुसी इस तरह एक चार्ट दे फॉर्म दे विच भी बना सकते। सो ये सी अज दी वीडियो, जेकर वधिया लगी लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर दसना कि तुहानू किस तरह की लगी, एंड की आपां नू चीज़ां नू किहड़ियां थिंग्स नू आपां नू इंप्रूव करना चाहिदा है, तां कि आपां होर वधिया तरीके नाल कर सकीए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।